जब मैं 5-6 साल का था, मैं तभी से कहता था कि मुझे बिशन सिंह बेदी जैसा बनना है, बिशन सिंह बेदी बनना है। और मेरी मदर की हमेशा से सोच थी कि पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाओ तो ज़िंदगी बन जाएगी। सो ऐसे में थोड़ा सा मुश्किल हो गया जब मदर को कन्विंस करना था। और उन्होंने साइकिल पे जाकर 20-20 किलोमीटर साइकिल चलाते थे, ट्यूशंस करते थे और वो मेरी फ़ीस के लिए पैसा निकाल। ऐसा दौर आ गया कि समझ ही नहीं आ रही थी एक्शन कहाँ चला गया, जो मेरा एक्शन था बेसिक एक्शन वो कैसे खो गया। फिर जब मैं इंडिया वापस आया तो मैं अपना एक्शन खो चुका। थोड़ा सा मैं ख़राब आदतों की तरफ भी चला गया, उसका सहारा लेना शुरू कर दिया और उससे और मैं नीचे जाता चला। मैं भी जब नीचे जा रहा था, मैं भी जब ड्रिंक करने लगा, मुझे भी एक टाइम लग रहा था कि मुझे हेल्प चाहिए। लेकिन ऐसा हिंदुस्तान में एक साइकी है हमारी कि अगर हम किसी प्रोफेशनल के पास हेल्प लेने जाते हैं, साइकाइट्रिस्ट ले लीजिए, साइकोलॉजिस्ट ले लीजिए, तो लोग कहना शुरू कर देते हैं पागल हो गए। जहाँ तक ड्रग्स का सवाल है, कभी नहीं सेवन किया। ये मैंने गुस्से में शीशे में अपने हाथ मारे थे और अनफॉर्चुनेटली वो गर्मियों के दिन थे, एक बार हाथ मारा शीशा टूटा और दूसरी बार जब हाथ मारा तो वो गड़ ही गया। अगर आप परेशानी को शेयर नहीं करेंगे तो आपका दम घुटना शुरू हो जाएगा एक टाइम के बाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज निशा और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। आज क्रिकेट जगत की एक ऐसी हंसी हमारे साथ है जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। बहुत ही कम उम्र में जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत कर दी थी और वो एज जिसमें आज यंगस्टर सोचते हैं कि चलिए क्या करना है, उस एज में ये शख्सियत आसमान छूने लगी थी, सफलता की सीढ़ियों पर सबसे ऊँचाई पर पहुँच गई थी। लेकिन हाँ, उसके बाद कुछ ऐसी भी परिस्थितियाँ आईं जहाँ पर इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और हर एक शय पर, हर एक चुनौती पर बढ़ते रहे, काम करते रहे और आज भी उनको जाना जाता है, माना जाता है, पहचाना जाता है। हम बात कर रहे हैं महेंद्र सिंह की। बहुत बहुत शुक्रिया सर आने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। सबसे पहले सर, एक लंबा दौर देखा है आपने, लंबा करियर रहा है आपका, किस तरह से देखते हैं आप, क्या अचीवमेंट, क्या उपलब्धि आपको लगती है कि हाँ ये है जो मैंने अपने पूरे लंबे करियर में पाया है? देखिए, थोड़ी सी अनफुलफिल रह गई जो मेरा करियर था, जो मैंने सोचा था, जो मैं करना चाहता था। क्योंकि जब खेलना शुरू किया था तो पहले तो ये था कि टेस्ट मैच क्रिकेट खेलना, इंडिया के लिए खेलने का मौका मिले और जब इंडिया के लिए खेलूं तो फिर लंबे अरसे तक खेलूं और कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता रहूं। सो वो नहीं कर पाया, लेकिन उसके बावजूद मैं इस स्टेज पर पहुंच गया हूँ लाइफ में जहां पर कि मैं सोचता हूं कि जो लिखा होता है आपको वही मिलता है, आप वहीं तक पहुंचते हैं और मैं सेटिस्फाइड हूं इस तरह से कि कितने लाखों लोग ट्राई करते हैं क्रिकेट खेल के, इंडिया के लिए खेलने के लिए। मैं उनमें से एक खुश नसीब हूं जो इंडिया के लिए क्रिकेट खेला। आपके बारे में पढ़ रही थी और सुना भी, देखा भी, उसमें ये भी कहा गया कि जब आप बहुत छोटे थे, 15-16 साल की उम्र थी वो आपकी, और क्रिकेट के लिए एक अलग सा जुनून आपके अंदर आ गया था और बिशन सिंह जी आपके हीरो, बिल्कुल आइडियल आपके, जिनको आपने फॉलो किया, कहाँ से शुरुआत हुई पूरी? देखिए, मैं बहुत छोटा था, मुझे तो ऐसा बताया जाता है, जब मैं 5-6 साल का था मैं तभी से कहता था कि मुझे बिशन सिंह बेदी जैसा बनना है, बिशन सिंह बेदी बनना है। और फिर 11-12 साल की उम्र में दिल्ली में एक टेस्ट मैच हो रहा था जो कि टेलीविज़न पर टेलीवाइज हो रहा था, क्योंकि उस समय ऐसा होता था कि जिस स्टेट में मैच होता था वहीं पर टेलीवाइज होता था जी। और मैं दिल्ली में था और मैंने उनको बॉलिंग करते हुए देखा और मैंने कहा कि मुझे ऐसा बनना है, क्योंकि मैं भी सिख हूँ, वो भी सिख थे, मैं भी लेफ्ट हैंडर, वो भी लेफ्ट हैंडर, और बड़ा एक नाम था। सो एक नाम कमाने का जो अंदर से जज्बा उस समय और जागा, जो पहले से ही था लेकिन उस समय उनको देख के और जागा। सो मुझे लगा कि मुझे ये बनना है, मुझे इस तरह से फेमस होना है। सो वो मेरी शुरुआत थी। शुरुआत आपकी देखी है हमने, जिस तरह से हमने पढ़ा कि आपने जो स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, फैमिली शायद उतना, माँ बाप पढ़ाई कैसे होगी उसकी भी टेंशन थी, लेकिन वहाँ से भी आपने रास्ता निकाला। देखिए, ऐसा होता है कि जब हम खेलते थे तो उस टाइम में इतने ऑप्शंस नहीं थे उस समय। अब तो पेरेंट्स क्रिकेटर्स को, बच्चों को लेके आते हैं, कोचिंग कराते हैं, कहते हैं कि इनको क्रिकेटर बनाना है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। और मेरी मदर की हमेशा से सोच थी कि पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाओ तो ज़िंदगी बन जाएगी। सो ऐसे में थोड़ा सा मुश्किल हो गया जब मदर को कन्विंस करना था। मेरे फादर थोड़े से न्यूट्रल थे, उनको वो इस चीज़ में बिलीव करते थे कि बच्चे जो करना चाहते हैं उनको करने दिया जाए।
लेकिन मम्मी की थोड़ी सी इस मामले में ज़्यादा चलती थी और मम्मी का ये कहना था कि डॉक्टर ही बनना है, आपका करियर बन जाएगा। सो उनको कन्विंस करना इसलिए भी मुश्किल हो रहा था क्योंकि उनको समझ नहीं थी कि क्रिकेट में या स्पोर्ट्स में करियर हो सकता है। सो ऐसे में मुझे बहुत मुश्किल हुई, मुझे अपने ब्रदर को के साथ बैठना पड़ा जो कि मेरे दोस्त की तरह थे, मेरे से 7 साल बड़े थे लेकिन मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे। और फिर उन्होंने जिस तरह से सपोर्ट किया उनका बहुत बड़ा हाथ है मैं जहाँ हूँ। बिल्कुल, आपकी उसमें पूरा अपने डिटेल भी दिया हुआ है कि किस तरह से वो साइकिल पर जाया करते थे, ट्यूशन लिया करते थे। जी जी बिल्कुल, देखिए मैं खुशकिस्मत भी हूँ, मैं किस्मत में बहुत बिलीव करता हूँ, लक में बहुत बिलीव करता हूँ। और मैं बहुत लकी था कि जो मेरे कोच हैं जिन्होंने मुझे क्रिकेट सिखाई वो इंडिया का कैंप ले रहे थे मुंबई में अंडर 19 का, और वहाँ पर इतनी बारिश हो गई कि वो कैंप एक हफ्ता पहले ख़त्म हो गया। और उनको इतना जुनून था कि वो सुबह पहुँचे दिल्ली और दोपहर को वो नेशनल स्टेडियम में आए हुए थे, जहाँ पर कि मैंने 2 महीने की परमिशन ली थी अपने पेरेंट्स से कि मुझे ये 2 महीने खेलने दीजिए आप, उसके बाद मैं पढ़ाई के ऊपर ध्यान दूंगा। सो वो मेरा आखिरी दिन था जब गुरचरण सर शाम को दोपहर को वहाँ पर आए और उन्होंने पूछा, अरे ये सरदार कौन है? तो जो उस समय कोच इंचार्ज थे उन्होंने कहा कि इसका आखिरी दिन है, ये आज के बाद नहीं आएगा। तो उन्होंने पूछा क्यों, तो बोले कि इसके पेरेंट्स ने ये सिर्फ गर्मी की छुट्टियों तक के लिए अलाउ किया है। और मैं अपनी साइकिल उठा के जब स्टेडियम के बाहर जा रहा था तो सर ने मुझे वहाँ पकड़ा और पूछा कि और खेलना चाहते हो? तो मैंने कहा कि जी। तो बोले कि क्या आपका एम है लाइफ में? तो मैं हिंदुस्तान के लिए क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। तो बोले अच्छा, तो क्यों नहीं खेलने दे रहे पेरेंट्स? मैंने रीज़न बताए तो उन्होंने मुझसे पूछा मेरा एड्रेस क्या है। मुझे समझ नहीं आई, मैं छोटा था, मैं 13 साल का था जी। तो मैंने एड्रेस अपना बता दिया और बोले ठीक है जाओ बेटा। तो मैंने साइकिल उठाई, मैं चला घर की तरफ, लेकिन जब घर पहुंचा तो वहाँ एक मोटरसाइकिल खड़ी थी जी। और अंदर गया तो देखा सर बैठे हुए थे मेरे पेरेंट्स के साथ, उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि ये हीरा है, मुझे चमकाने का मौका दीजिए क्योंकि ये बहुत टैलेंटेड है। लेकिन मेरी मम्मी नहीं मान रही थी, तो उन्होंने फिर मम्मी डैडी से बोला कि देखिए यहाँ 2 घंटे पार्क में भी खेलने तो जाता होगा, वो टाइम मेरे पास भेज दीजिए। जी, जी। सो इस तरह से करके कुछ बातें हुई, फिर मैंने अपने ब्रदर को कहा तो ये सिलसिला चालू हुआ कि 3 दिन जाना शुरू किया, फिर धीरे धीरे उन्होंने कन्विंस किया 5 दिन के लिए, फिर धीरे धीरे उन्होंने कन्विंस किया स्कूल चेंज करने के लिए। और जो आप मेरे ब्रदर का जिक्र कर रहे थे कि वो साइकिल पर जाया करते थे, मैं सेंट्रल स्कूल में था जहाँ की फीस 3 रुपया महीना थी और इस स्कूल में 130 रुपया महीना थी। और मेरे कोच ने कहा कि मैं 50% कंसेशन करा दूंगा, तो मेरे डैड ने बोला कि पॉसिबल ही नहीं है, मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, ऐसा हो नहीं सकता। तब मेरे ब्रदर ने कहा कि ये फीस मैं पे करूँगा, और उन्होंने साइकिल पे जाके 20 किलोमीटर साइकिल चलाते थे, ट्यूशंस करते थे और वो मेरी फीस के लिए पैसा निकालते। जैसा कि भी आप बता रहे थे सर कि जो आपके सीनियर थे आपके घर पहुंचे और उसके बाद उन्होंने कहा कि हीरा है मुझे दे दीजिए, ऐसे चमकाने की जिम्मेदारी मेरी है, हीरा चमका भी, रोशनी सबके सामने आई भी, कैसे शुरुआत हुई? देखिए जिस तरह से कन्विंस कर लिया मेरे पेरेंट्स को और मैंने भाई के थ्रू भी कन्विंस कर लिया अपने पेरेंट्स को, तो 3 दिन हफ्ते में जाना मेरा शुरू हुआ नेशनल स्टेडियम जो कि आज के टाइम में SAI कहलाता है। सो 3 दिन गए, फिर धीरे धीरे गुरचरण सर दोबारा पेरेंट्स के पास आए, 3 से 5 कराने की कोशिश की, नहीं माने तो फिर मेरे ब्रदर को बुलाया, फिर उनको कन्विंस किया, तो मेरे ब्रदर ने मेरे पेरेंट्स को कन्विंस किया। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए, जब सर ने भी देखा कि हाँ ये सीख रहा है जैसे मैं सिखा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि अब स्कूल बदलने की ज़रूरत है, ऐसे स्कूल में जाने की ज़रूरत है जहाँ पर कि क्रिकेट खेली जाती है, जहाँ की क्रिकेट टीम है, जहाँ की ज़्यादा सीखने का मौका मिलेगा। तो स्कूल की फ़ीस थी 130 रुपये और मैं ऐसे स्कूल में पढ़ता था जहाँ की फ़ीस थी 3 रुपया, तो मेरे पेरेंट्स ने, तो मेरे फादर ने तो साफ कह दिया कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरे कोच ने कहा कि मैं 50% कंसेशन करा दूंगा स्कूल से, 65 रुपये देने पड़ेंगे महीने के। ये एयरफोर्स बाल भारती स्कूल था जहाँ की प्रिंसिपल भी बहुत एनकरेज करती थी क्रिकेटर्स को, मिसेस बख्शी आज नहीं है लेकिन उनको भी बहुत क्रेडिट जाता है, जो जहाँ मैं आज बैठा हूँ, जहाँ मैं आज पहुँचा हूँ। तो फिर मेरे ब्रदर ने मेरे पेरेंट्स को कन्विंस किया कि आप स्कूल बदलने दीजिए, ये फीस के पैसे मैं इकट्ठे करूँगा, और उन्होंने फिर 20-20 किलोमीटर साइकिल चला के, ट्यूशन्स दे के, वो पैसे इकट्ठे किया करते थे मेरे फीस के लिए।
जो कि मेरे कोच ने और मेरी प्रिंसिपल ने कहा था कि अगर ये कोई भी स्टेट लेवल की क्रिकेट खेल जाएगा तो हम ये फीस माफ कर देंगे। और 6 महीने में मैं दिल्ली अंडर 15 का कैप्टन बना तो वो फीस माफ़ हो गई। सो वो थोड़ा सा रिलीफ था मेरे ब्रदर के लिए भी, क्योंकि वो खुद भी पढ़ाई उनकी सफ़र कर रही थी, बीकॉम ऑनर्स कर रहे थे। सो इस तरह से मेरी शुरुआत हुई और फिर दिल्ली अंडर 15 का कैप्टन बना, वहाँ से नॉर्थ जोन अंडर 15 का कैप्टन बना, फिर इंडिया अंडर 15 के कैंप में आया, वहाँ से अंडर 15 में से 4 लड़के अंडर 19 के कैंप में लिए गए जिसमें कि मेरा नाम था। फिर अंडर 19 की टीम इंग्लैंड जानी थी उनकी अंडर 19 के साथ खेलने के लिए, और ट्रायल मैच हुआ, उसमें मैंने 8 ओवर डाले, मुझे याद है 8 के 8 मेडन थे और 1 विकेट मैंने लिया था। सो वहाँ से मेरा इंडिया अंडर 19 की टीम में सिलेक्शन हुआ। तो इस तरह से शुरुआत, जिस तरह से पूरी ग्रोथ थी और जिस तरह से आपने सफलता की सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू की, कहा जाता है कि 24-25 ये जो एज थी, एक कहते ना कि पीक करियर का, उस दौरान भी आपके लाइफ में कई उतार चढ़ाव भी देखने को मिले थे। और ये भी सुनने को मिला था कि इंग्लैंड के एक प्लेयर ने काफ़ी आपकी हेल्प भी की थी उस दौरान जब आप इंग्लैंड में थे मैच खेलने के लिए, वो क्या इंसिडेंट था? देखिए वो तो एक ऐसे ही, जब हम इंग्लैंड गए थे तो वहाँ पे वो स्लॉट मशीन्स होती थी, उसमें मैंने थोड़ा सा ऐसा पैसा डाल दिया देखने के लिए कि, क्योंकि किसी को देख रहा था किसी बुज़ुर्ग को खेलते हुए, तो मैंने ऐसे ही थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हुआ। फिर उसमें समझ ही नहीं आई, वो मशीन टूटा टूटा करने लगी, तो फिर वो इंग्लैंड के क्रिकेटर थे डेविड लॉरेंस, जिनको मैंने हालांकि यू नो इतने बड़े थे कि मैं 16 ही साल का था, तो मैं उनके पास गया, मुझे नहीं पता था कि इनके अगेंस्ट हमने मैच खेलना है कल, तो मैं उनके पास गया, अंकल ये, क्योंकि वो पहले खेल रहे थे, तो मैंने कहा अंकल ये यू नो हाउ डू आई गो अबाउट इट नाउ। सो फिर उन्होंने आके कुछ किया, उसमें से कुछ पैसे निकले। सो ये एक यू नो इनक्विजिटिव नेचर थी बेसिकली कि ये क्या होता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि इस तरह से भी खेल होते हैं कि मशीनों में पैसे डालें और आप उससे जीत सकते हैं। और अगले दिन देखा तो वो हमारे अगेंस्ट मैच खेलने आ रहे थे। तो मैं यू नो ये बताने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ बेसिकली कि वो सारे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे जो हमारे अगेंस्ट खेल रहे थे, क्योंकि वो यंग इंग्लैंड की टीम थी, हमारी लगभग सारे ही अंडर 19 के थे सिवाय हमारे कैप्टन रवि शास्त्री के थे जो कि 20 साल के थे। सो हम, वो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था क्योंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स के अगेंस्ट 16 साल की उम्र में आप बॉलिंग कर रहे हैं उन कंडीशंस में, इंग्लिश कंडीशंस, उस समय बहुत सर्दी हुआ करती थी, हम लोग 3-3 स्वेटर पहन के खेलते थे, हाथ ठंडे हुए होते थे और बॉल को ग्रिप करना मुश्किल होता था। सो वो डिफ़िकल्ट कंडीशंस में भी जब उन इतने दिग्गजों के अगेंस्ट बॉलिंग कर रहे थे तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। सो वो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर खेले, क्रिकेट खेले हुए थे इंग्लैंड के खिलाड़ी। सो वो फिर शाम को बात भी किया करते थे क्योंकि वो देखते थे बच्चे बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, तो वो हमसे बात भी किया करते थे और कई चीज़ें उन्होंने बताई कि इन कंडीशन में इस तरह से बॉलिंग करने की ज़रूरत है, ऐसे बॉलिंग करने की ज़रूरत है, हाथ आप ऐसे गर्म कर सकते हैं जब, क्योंकि बॉल शुरू शुरू में ग्रिप नहीं होती थी ठंड की वजह से, उंगलियां अकड़ जाती थी। सो इस तरह से उन क्रिकेटर्स ने भी, इंग्लैंड के क्रिकेटर्स ने भी इस तरह से भी हमारी हेल्प की क्रिकेट में। बिल्कुल, यहाँ पे ये चीज़ बड़ी अच्छी सी आपने बताई कि जैसे वो फॉरेन कंट्रीज़ के जो प्लेयर्स थे वह हेल्प किया करते थे। आजकल तो अगर मैदान में देखिए तो कभी कभार भाषा को लेकर दिक्कत हो जाती है, कुछ इशारों को लेकर दिक्कत हो जाती है, मतलब वो जो केमिस्ट्री रहा करती थी वो अब बहुत रेयर है। मैं इसका जवाब ये देना चाहूँगा कि जब मैदान के ऊपर होते हैं तो लड़ाई होती है, कॉम्पिटिशन है, लेकिन मैदान के बाद बाहर आज भी वही एटमॉस्फेयर है, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे की किसकी क्या वीकनेस है ये सब डिस्कस किया जाता है। सो ऐसा नहीं है कि वो केवल उसी टाइम होता था, वो आज भी होता है, जो दिखता नहीं है क्योंकि हमें दिखता टीवी पे ही है जो देखते हैं, और उसमें देखते हैं कि जवाब दिए जा रहे हैं, कोई स्लेज कर रहा है, लेकिन वो शायद जो कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है उसकी वजह से वो दिख रहा है। शायद इसी वजह से ICC ने डिसिप्लिनरी कमेटी रखी है और मैच रेफरी होता है और फाइन्स लगते हैं और बैन भी किए जाते हैं खिलाड़ी खेलने से, लेकिन मैदान के ऊपर तो उस समय भी वैसा ही था, हमारे साथ भी वैसा ही था, हम छोटे थे लेकिन हम लड़ पड़ते थे, लेकिन मैदान के बाहर शाम को बैठ के फिर एक दूसरे से क्रिकेट ड्रीम रूम का माहौल अलग होता है। बिल्कुल, एक पूरा टाइम था, वक्त था जब आपने वो शीर्ष एक वीकनेस देखी थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि मतलब चीज़ें हाथ से निकलती चली? देखिए ये आई थिंक आज के यंगस्टर्स में भी ये प्रॉब्लम है कि आई नो इट ऑल, मुझे सब कुछ पता है। कोई कुछ बताने आता था, कोई कुछ समझाने आता था तो हमें लगता था कि
अरे हमें पता है हमें क्या बता रहे हैं, और वो आज भी हैं, लेकिन आज के टाइम में थोड़ा सा चैनलाइज हो गया है, उस टाइम में ऐसा नहीं था। सो कई बार ऐसा हुआ, जैसे मैं एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ, बिशन सिंह बेदी हमको बार बार कहते थे, क्योंकि उन्होंने भी बहुत रोल अदा किया है मेरे करियर में, उन्होंने मुझे 15 साल की उम्र में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिला दी दिल्ली से। सो वो हमें कहा करते थे कि आप नेट्स में जितना बॉलिंग करेंगे आपका कॉन्फिडेंस उतना बढ़ेगा। लेकिन अब 20-21 साल का मैं था और इंडिया खेल चुका था और 20-25 मिनट बॉलिंग करता था, मुझे लगता था ये बहुत है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस रहता था, बॉल अच्छी तरह से हाथ से निकल रही होती थी। लेकिन ये बाद में रियलाइज़ हुआ कि बिशन सिंह बेदी जो कह रहे थे उस बात में कितना दम था, कि आप जितना बॉलिंग करते जाएंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा, जो कि हमने देखा फिर बाद में जब क्रिकेट ख़त्म हो गई तो देखा हमने अनिल कुंबले को किस तरह से नेट्स में बॉलिंग किया करते थे, या राहुल द्रविड़ या सचिन तेंदुलकर या सौरव गांगुली किस तरह से नेट्स में बैटिंग किया करते थे। तब समझ आई कि बिशन सिंह बेदी क्या कहते थे। एक्चुअली समझ तो तभी आ गई थी जब नीचे फिसलना शुरू किया और फिर उठ ही नहीं पाए, क्योंकि ऐसा दौर आ गया कि समझ ही नहीं आ रही थी एक्शन कहाँ चला गया, जो मेरा एक्शन था बेसिक एक्शन वो कैसे खो गया। वो बाद में समझ आई कि मैं उन खिलाड़ियों में से था जिसे रेगुलर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत थी, मैं बीच में ब्रेक्स अगर लंबे ले लेता था तो मैं थोड़ा स्ट्रगल करता था। सो तब समझ आई कि बिशन सिंह बेदी हमें क्या समझाया करते थे, और तब समझ आई कि बड़े अगर कुछ कहते हैं तो अपने अनुभव से कहते हैं, तो उसे जितना पकड़ लें उतना अच्छा है, जो कि क्रिकेट छोड़ने के बाद करना शुरू किया। बिल्कुल, लेकिन उन ब्रेक्स का क्या कारण था, क्यों आते रहे वो ब्रेक्स? देखिए एक बार तो जब मैं एक्शन पूरी तरह से खो दिया, मैं इंग्लैंड गया था और वहाँ पर मैं कोई 4 महीना लगभग समझ लीजिए मैं हॉलीडे के ऊपर ही था, और मेरे को ऐसा इक्का दुक्का मैचेस मिल जाते थे लीग के, वो खेलते थे, अदरवाइज मैं ट्रेनिंग करता रहता था, और मैं वहाँ पर बीमार हो गया जी। मुझे बार बार फीवर आता था, समझ नहीं आ रही थी क्यों आता है, लेकिन मोहिंदर अमरनाथ मदन लाल ये दिल्ली से जब इनके अंडर हम खेले, ये इतनी ट्रेनिंग किया करते थे कि वो शौक पड़ गया ट्रेनिंग करने का। सो बुखार आ रहा है, दवाई ली, बुखार उतरा, ट्रेनिंग करने भाग गए। सो बॉडी में इतनी वीकनेस आ गई कि जब मैं इंडिया वापस आया तो मैं अपना एक्शन खो चुका था, और फिर उसको पाने के लिए इतनी कोशिश की, अपनी वीडियोस देखी, मैं सुबह 5-5 बजे उठ के नेशनल स्टेडियम जाया करता था, अकेला 25-30 बॉलें अपने पास रखता था, अपने एक्शन को वापस लाने की कोशिश करता था, लेकिन हो नहीं पाया, चीज़ें मिस होती चली गई, और मेरा एक एक्शन में डबल जंप हुआ करता था जिसकी वजह से मुझे वो बाउंस मिलता था। सो वो बाउंस मिलना बंद हो गया, जिसकी वजह से मुझे विकेट्स जैसे मिला करती थी वैसे मिलनी बंद हो गई, और कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी नीचे आ गया। सो वो जो एक्शन खोया और वो नहीं पा पाया अपना वापस एक्शन, वो एक बहुत बड़ी समस्या होने लगी। और फिर क्या हुआ कि थोड़ा सा मेंटली असर होना शुरू हो गया, मैं थोड़ा सा डिप्रेस रहने लगा कि इंडिया खेल गया और जिस वजह से खेला वही चीज़ मेरे से जाती जा रही है, तो समझ नहीं आ रही थी कि आप क्या करें। और फिर उस समय थोड़ी सी आदतें ख़राब पड़नी शुरू हो गई, और क्योंकि वो डिप्रेशन जो आने लगा, और ये सोच के कि मैं अब इंडिया शायद दोबारा कभी ना खेल पाऊँ, या खेलूँगा भी तो इस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पाऊँगा जिस तरह का मुझसे एक्सपेक्ट भी किया जाता है, और प्रेशर भी आने लगा, तो उसमें थोड़ा सा मैं ख़राब आदतों की तरफ भी चला गया, उसका सहारा लेना शुरू कर दिया, और उससे और मैं नीचे जाता चला गया। बिल्कुल, ये उस माहौल को भी हम समझ सकते हैं कि जिस स्टेडियम में आप कभी विकेट लेते हों या मिडन ओवर जावती हो तो चारों तरफ से तालियां, गड़गड़ाहट, शाबाशी, और उसी स्टेडियम में जब आप अकेले हों उस मेमोरी को आप याद करते हैं, उस मोमेंट को आप याद करते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड। लेकिन अगर आप यंगस्टर्स को उस एक मैसेज देने के तौर पर, क्योंकि ये डाउनफॉल जो होता है, नीचे उतरने का जो एक प्रक्रिया है, वो हर किसी की लाइफ में आता है, हर किसी फील्ड में आता है, तो मैं चाहती हूँ कि एक बार आप अपने एक्सपीरियंस पर लोगों को बताएं कि अगर ऐसा कोई टाइम आता है तो कैसे खुद को संभाला जाए। खासतौर पे आज देखिए कि आपने कहा कि भाई क्रिकेट्स के बहुत सारे कोचेस यहाँ पे हैं, इंस्टीट्यूट बहुत से हैं, यंगस्टर एक अलग ग्लैमर है आज के टाइम में क्रिकेट का, तो अगर कोई उस तरफ मुखातिब होता है और ये टाइम पीरियड आता है, कैसे फिर पकड़े अपने आप? देखिए खुद से खुद को संभालना हर एक के लिए पॉसिबल नहीं, कहीं ना कहीं आपको हेल्प चाहिए और प्रोफेशनल हेल्प। देखिए क्योंकि मैं भी जब नीचे जा रहा था
मैं भी जब ड्रिंक करने लगा तो मुझे बिशन पाजी ने भी बुलाया, मेरे कोच ने भी बुलाया, वो बैठे मेरे पास, कपिल पाजी ने भी ट्राई किया, मोहिंदर रमन्ना ने भी ट्राई किया, लेकिन वो प्रोफेशनल्स नहीं थे कि जो मुझे घेर के इस तरह से समझा पाते जिस तरह से कि एक प्रोफेशनल समझा सकता है कि ये चीज़ें आपको नीचे ही लेके जाएंगी, इससे आप वापस बाहर नहीं निकल सकते। सो वो देखिए, क्योंकि अगर हर कोई अपनी सेल्फ साइकी कर सकता तो फिर सचिन तेंदुलकर, हर कोई सचिन तेंदुलकर या राहुल द्रविड़ या सौरभ गांगुली या विराट कोहली देख लीजिए। विराट कोहली एक ऐसे क्रिकेटर है मेरे हिसाब से, क्योंकि अंडर 19 के बाद जब उनको इंडिया खिला दिया गया मुझे ऐसा लगा वो थोड़े बिखर से गए थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को बेहतरीन तरीके से संभाला। उन्होंने समझा कि उनको क्या करना है, किस लिए वो जाने जाते हैं और उन्हें क्या करना है ताकि वो एड्यूलेशन, वो प्यार उनको मिलता रहे जो उनको मिलना शुरू हुआ था। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स मुझे लगता है कि 19-20 साल की उम्र में एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है किसी को भी, और उससे कतराए ना, क्योंकि मुझे भी एक टाइम लग रहा था कि मुझे हेल्प चाहिए। लेकिन ऐसा हिंदुस्तान में एक साइकी है हमारी कि अगर हम किसी प्रोफेशनल के पास हेल्प लेने जाते हैं, साइकाइट्रिस्ट ले लीजिए, साइकोलॉजिस्ट ले लीजिए, तो लोग कहना शुरू कर देते हैं ये पागल हो गए हैं। बिल्कुल, ये एक मेंटालिटी है। सो वो एक डर था मन में जिसकी वजह से मैं उस समय प्रोफेशनल हेल्प नहीं ले पाया। शायद इसीलिए आपने टीम के लिए प्रोफेशनल हेल्प का एक सजेशन भी दिया था। बिल्कुल, मैं तो अभी भी कहता हूँ हमेशा होना चाहिए टीम के साथ। मैं तो बल्कि ये भी कहता हूँ कि बड़े बड़े दिग्गज भी हैं उनको भी कभी ना कभी हेल्प की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप जितना भी बड़ा खिलाड़ी हो जाए अगर वो नीचे फिसलना शुरू करता है तो कभी कभी एक प्रोफेशनल की हेल्प बहुत ज़रूरी होती है। सो मेरे लिए मैं अपने आप को अभी फॉर्चुनेट मानता हूँ, क्योंकि मेरे एक दोस्त हैं चंद्रमोहन जी जो कि एस्ट्रोलॉजी करते हैं, मेरे को उनकी मदद मिली, लेकिन ये सब क्रिकेट छोड़ने के बाद हुआ। और एक बार मैं अपने एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था, मैं 32-33 साल का था और ड्रिंक कर रहे थे, तो 1-2-3-4-5 ड्रिंक जब होगी तो उसने कहा मन्नी क्या कर रहे हो, क्या हो गया? तो फिर मैंने अपना दिल खोल के उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर को जानता हूँ, डॉक्टर अमृता अरोड़ा, आप उनके पास जाएं और हेल्प लें। और मैं ढूंढ रहा था कि मैं किसी के पास जाऊं, क्योंकि मैंने कहा यार फिर वो पता चलेगा दुनिया को तो क्या सोचेंगे लोग। बोला कि आप उनके पास जाएंगे तो ये सीक्रेट रहेगी। सो मैं फिर वो डॉक्टर अमृता अरोड़ा के पास गया, उन्होंने मुझे योगा बताया कैसे करना है, अनुलोम विलोम। मेरे दोस्त जो हैं ये चंद्रमोहन, इन्होंने मुझे पूजा पाठ की तरफ थोड़ा सा मेरा ध्यान लगाया, और धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरा टेम्परमेंट बेहतर होता चला जा रहा है, और वो जो मेरी ख़राब आदतें थी थोड़ी सी जो पड़ गई थी वो हटनी शुरू हो गई। सो फिर मुझे समझ आया कि अगर ये चीज़ जब मैं फिसल रहा था अपने क्रिकेटिंग करियर में मैंने किया होता तो शायद मेरा करियर लंबा होता। सो मेरा सजेशन यंगस्टर्स के लिए यही रहेगा, क्योंकि देखें रिचर्ड हैडली इतने ग्रेट क्रिकेटर रहे, उन्होंने हेल्प ली एक टाइम पे, विवियन रिचर्ड्स ने एक टाइम पे हेल्प ली। सो अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे हेल्प लेने की ज़रूरत है तो उससे बिल्कुल कतराए ना, बिल्कुल शर्माए ना। और आज के टाइम में तो मेरे ख्याल से वैसे ही अभी हाल ही में कई इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं, ग्लेन मैक्सवेल का कितना देखिए, उनको क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी छुट्टी दे दी कि जाके अपना, उनको हेल्प भी किया, प्रोफेशनल हेल्प भी दिलाई। सो आई थिंक ये बोर्ड की भी जिम्मेदारी बनती है कि टीम के साथ एक साइकोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट रहे, जो NCA है, जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी है, वहाँ भी हो, और क्रिकेटर्स को भी मुझे लगता है खुलकर सामने आना चाहिए जब मदद की ज़रूरत हो। जो आपके ऑफिशियल्स हैं, जो BCCI के ऑफिशियल्स हैं, किसी न किसी से बात करें कि मुझे अभी प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, और वो हेल्प ज़रूर लें। बिल्कुल, अच्छे प्लेयर्स को साथ में रखने की जिम्मेदारी बोर्ड की भी है, वैसे मैं इस पॉइंट पर भी उनको फोकस करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आपका जो जुनून था क्रिकेट को लेकर, बॉलिंग को लेकर, जो आपने एक शुरुआत की बोली, जिस पीक पर आए, जो जुनून आपके अंदर था, जो जोश आपके अंदर था, क्या इसका सिर्फ आपने कहा कि आप ड्रिंक करने लगे थे, कुछ चीज़ें भी आपके साथ, आपके नाम के साथ जुड़ी, कि जैसे ड्रग लेने को लेकर एक बार शायद अरेस्ट होने का भी कुछ एक वो भी उम्र था जो भी खबर थी उसके साथ साथ सुसाइड की भी जिक्र किया गया था, तो इन सब चीज़ों का कारण क्या सिर्फ वो डिप्रेशन था जो क्रिकेट की वजह से हो रहा था, जो फिसलने की वजह से हो रहा था, डाउनफॉल की वजह से हो रहा था? देखिए एक चीज़ तो मैं बड़ा क्लियरली बोलूँ, जहाँ तक ड्रग्स का सवाल है कभी नहीं सेवन किया,
ये अनफॉर्चुनेट है कि प्रेस ने उसको कितना उड़ा दिया, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में आप सू नहीं कर सकते किसी को, सू करेंगे तो वो केस चलते रहेगा, बरसों चलते रहेगा, ख़त्म ही नहीं होता है। सो इसीलिए प्रेस भी एक एडवांटेज उठाती है और कुछ भी न्यूज़ छाप देती है, क्योंकि आप बिलीव करें कि जब ये ड्रग्स वाला हुआ, और मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन किसी ने मुझे फंसाया उसमें पर्सनल उसमें, और ये जो सुसाइड वाला भी, मैं पहले ये चीज़ें क्लियर करूँ, ये मैंने गुस्से में शीशे में अपने हाथ मारे थे और अनफॉर्चुनेटली वो गर्मियों के दिन थे, एक बार हाथ मारा शीशा टूटा और दूसरी बार जब हाथ मारा तो वो गड़ ही गया अंदर। सो ये दोनों प्रेस ने, क्योंकि देखिए नाम था मनिंदर सिंह था, ड्रग्स उड़ा दिया, फिर अनफॉर्चुनेटली विद इन 3 weeks 4 weeks ये हाथ वाला भी इंसिडेंट, हाथों दोनों हाथ जो कटे उसका भी इंसिडेंट हुआ, तो वो भी उड़ा दिया गया, क्योंकि TRPs प्रॉबेबली, क्योंकि मैंने काफ़ी काम किया प्रेस के साथ, मुझे पता है कि कैसे चलता है सब। तो ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट था, क्योंकि अगर आप कोई न्यूज़ दे रहे हैं तो उसकी पुष्टि तो कर लीजिए, क्योंकि उसका असर होता है, केवल उस इंसान पे नहीं होता, उसकी फैमिली पर भी होता है, उसके बच्चे भी हो सकते हैं, बच्चों पर भी हो सकता है। सो बट एनीवे वो हो गया, वो पास्ट हो गया, क्योंकि आज मैं जिस स्टेट ऑफ माइंड में हूँ मुझे लगता है कि ये प्रॉब्ली पार्ट ऑफ लाइफ था, ये होना था, ये हो गया। और मैंने एक चीज़ हमेशा नोटिस की है कि जब एक लो आता है, स्लम्प आता है, उसके बाद ऊपर उठने का समय ज़रूर आता है, मेरा ये बिलीफ होने लगा है। सो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था, जो ये ड्रग्स वाला भी हुआ, सुसाइड वाला भी हुआ। हाँ, ड्रिंक मैं ज़रूर करता था, ये मैं मानता हूँ, और जब मैं करता था तो मैं कई बार बहुत ज़्यादा भी कर जाया करता था, और उसका कारण यही था कि क्रिकेट हाथ से छीनती चली जा रही थी, क्रिकेट हाथ से छीन गई, जिसका जुनून था, जो मैं करना चाहता था, जो मैं बनना चाहता था, मैं वो बन नहीं पाया। सो फ्रस्ट्रेशन ज़रूर आती है, जिसकी वजह से कुछ गलतियां आप करते हो, बट देन आई टेक एवरीथिंग इन माय स्ट्राइड नाउ, कि ये होना था, ये हो गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कुछ नहीं, मेरे को इम्प्रूव करने का मौका मिला खुद को, एंड थैंक्स कि मेरे को ऐसे लोग मिले, डॉक्टर अमृता अरोड़ा, चंद्रमोहन, जिन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाना शुरू किया, और आज मैं बड़े पीसफुल स्टेट। मतलब ये अगर इन शॉर्ट कहा जाए तो, कि अगर आपके मन में कुछ है, कोई परेशानी है, तो बेहतर है कि आप उसे शेयर करें, ना कि अपने मन में दबा के रखें। बिल्कुल बिल्कुल, देखें अगर आप परेशानी को शेयर नहीं करेंगे तो आपका दम घुटना शुरू हो जाएगा एक टाइम के बाद। सो आपके पास कोई ना कोई होना चाहिए, कोई फ्रेंड हो, कोई यू नो, बेसिकली मैं बिलीव करता हूँ फ्रेंड्स भी कितना हेल्प कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल हेल्प कर सकता है, क्योंकि उनको पता है कि उस सिचुएशन, उन्होंने पढ़ा है, उन्होंने उनके एक्सपीरियंसेस हैं, उनको पता है कि ऐसी सिचुएशन से किसी को कैसे निकालना है। बिल्कुल, ये ज़रूर है कि जिसने निकलना है उसको अपना एफर्ट तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप घोड़े को पानी तक तो ले जा सकते हैं, पीना तो उसने खुद ही है, अब आप उसकी गर्दन तो अंदर नहीं डाल सकते। सो जिसको परेशानी है उसको फिर उस तरफ वर्क करना। बिल्कुल, और आपकी जो पूरी लाइफ है मेरे ख्याल से वो आने वाले यंगस्टर्स के लिए और आज के भी जो क्रिकेटर्स हैं उनके लिए परफेक्ट एग्जाम्पल है कि अगर कभी कुछ नेगेटिव होता है तो उससे आप कैसे उभरें, कैसे अपने आप को संभालें। लेकिन अगर आज के क्रिकेट की बात की जाए, देखते हैं हम लोग कि जो यंग हैं, और उसके बाद एक टाइम आता है कि जब एक वो कहते हैं ना कि मीडिया से फोकस हटना, उस फोकस हटने की वजह से भी, वो तालियों की गड़गड़ाहट बंद होने की वजह से भी, वो एक वक्त आ जाता है कि वो अपने आप को एकदम कट ऑफ समझने लगते हैं। इसका क्या कोई सलूशन है कि इससे कैसे पार पाया जाए? देखें ये फिर वही बात आ जाती है कि आपको सेल्फ साइक की एक चीज़ होती है, आपको साइक करना पड़ेगा अपने आप को कि ये इसी टाइम तक मिलेगा, इसके बाद फिर ज़िंदगी अलग हो जाएगी। क्योंकि अब आज के टाइम में सचिन तेंदुलकर हैं जैसे, जब उन्होंने क्रिकेट छोड़ा तो उसके बाद सब कहते थे कि कोई सचिन तेंदुलकर जैसा नहीं बन पाएगा, लेकिन विराट कोहली क्या कर रहे हैं। सो इन सब चीज़ों को संभालना भी आई थिंक मेंटली आपको स्ट्रांग होना ज़रूरी है। मैं सचिन तेंदुलकर का नाम इसलिए लेता हूँ क्योंकि वो इतना बड़ा नाम है, उन्होंने इतना अचीव किया है और इतने विनम्र हैं जिसकी कोई हद नहीं है। सो आई थिंक काम रहना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये चीज़ आप फिर हैंडल कर सकते हैं हर तरह की सिचुएशन को। आप महेंद्र सिंह धोनी को देखिए, इतने पॉजिटिव रिजल्ट्स क्यों आए,
कामनेस की वजह से। सो अगर आप काम रहते हैं अचीव करने के बाद भी, तो फिर वो जो ट्रांजिशन है, जो रिटायर होने के बाद बाकी की ज़िंदगी का जो ट्रांजिशन है, वो थोड़ी सी आसान हो जाए। अभी कई बार ये भी सुनने को मिलता है कि जो सीनियर क्रिकेटर्स होते हैं, उनके सामने जो क्रिकेट सीख रहे होते हैं या फिर इस्टेब्लिश हो रहे होते हैं, कभी कभार सीनियर्स को एकदम दरकिनार कर देते हैं, बिहेवियर चेंज हो जाता है, क्या ये ह्यूमन है या इसमें कोई सच्चाई है? देखिए, ये बेसिकली ये ह्यूमन साइकी है। ऐसा यू नो, कई बार हमने सुना है कि जो आज के खिलाड़ी हैं उन्होंने पुराने खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी की। बदतमीजी एज सच मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जब जैसे हम टीवी पे बैठते हैं, हम अगर कुछ कह रहे हैं, हम कुछ बता रहे हैं, या हम कुछ जो हमें दिख रहा है, क्योंकि जब आप खेल रहे हैं तो कई बार आपको चीज़ें दिखती नहीं है, लेकिन जब आप दूर हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर गेम की बिल्कुल समझ आती है, नज़र आता है। सो और प्रोफेशन है हमारा। सो अगर हम बैठे हैं टेलीविज़न पर और कुछ बोल रहे हैं, तो खिलाड़ियों का क्या प्रॉब्लम हो जाता है कि वो उसको एज अ क्रिटिसिज्म ले जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं ये काम करता हूँ, मैंने ये काम किया है, मेरा क्रिटिसिज्म ऐसा रहता है कि डिस्ट्रक्टिव नहीं है, कंस्ट्रक्टिव है। कि अगर मैं कुछ कह रहा हूँ, आपको कहीं से पता चला, आप उसे अपनाने की कोशिश करें तो आपका ही बेहतर होगा, क्योंकि मैं तो इस दौर से गुजरा हूँ, मुझे पता है कि जब आप थोड़ा नीचे जा रहे हैं, आपका परफॉर्मेंस नहीं हो रहा, कोई गलतियाँ हो रही हैं, तो उसको मैं जब बोलता हूँ तो वो उनको कैसे सुधारा जा सकता है। लेकिन आई थिंक ये ह्यूमन साइकी है, एक हमारी सोच है, हम क्रिटिसिज्म ले नहीं पाते। ये चाहे क्रिकेटर्स हो चाहे कोई भी हो, आप किसी को भी क्रिटिसाइज करेंगे वो आपको खाने को दौड़ेगा। सो उसको कैसे लेना है, अगर आप उसको पॉजिटिव वे में ले सकते हैं तो आप सुपरस्टार्स बन जाएंगे। यानी कि अगर आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई कमी बता रहा है, तो आप उसको पॉजिटिवली लें। बिल्कुल, बहुत ज्यादा बिल्कुल। ये ना सोचे कि ये जल रहा है, इसने ये अचीव नहीं किया, इसलिए इस तरह से बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मुझे इतना पता है कि जिन क्रिकेटर्स ने बदतमीजी नहीं, लेकिन थोड़ा सा नाराज़ हो गए अपने सीनियर क्रिकेटर्स से जब वो टेलीविजन पर बैठ के कमेंट्स कर रहे थे, आज वही बैठे हुए हैं और मैं उनके कमेंट्स सुनता हूँ, और उसमें मैं सोचता हूँ कि देखें, जिस बात से आप नाराज़ होते थे, आज आप भी वही बात कर रहे हैं। क्योंकि वन हैज़ टू अंडरस्टैंड कि ये उनका प्रोफेशन है। मैं अभी मोदी जी को सुन रहा था, कोई किसी प्रेस वाले ने उनसे कोई सवाल पूछा, तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप गलत बोल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये आपका प्रोफेशन है, आपको TRP बनाना है, आपका प्रोफेशन है। सो आप ये इस तरह के सवाल करेंगे और मैं इसकी इज्जत करता हूँ, मैं इसकी इज्जत करता हूँ, देखिए कितनी बड़ी बात है। सो आई थिंक ये साइकी एक आदमी को महान बना। तो क्या थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा मीडिया से भी नाराज हैं क्या? नहीं नहीं, मैं किसी से भी नाराज नहीं हूँ, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, क्योंकि देखें, जो भी मेरा डाउनफॉल आया है मेरी लाइफ में, वो सारी मेरी गलती है। उस समय प्रॉबेबली जब मैं 25, 26, 28, 30 साल का था, मेरा दिमाग में रहता था ये सिलेक्टर्स मेरे को पसंद नहीं करते, या ये कैप्टन मुझे पसंद नहीं करता, इसलिए मैं सिलेक्ट नहीं हो रहा हूँ। लेकिन इन द हाइंडसाइट आई थिंक मेरी अपनी गलतियाँ थी, मैंने खुद उतनी मेहनत नहीं की जितनी मुझे मेहनत करनी चाहिए थी। क्योंकि देखें, ऊपर पहुँचना तो आसान है, लेकिन वहाँ बने रहने के लिए आपको 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सो मेरी नाराज़गी खुद से है, किसी से नहीं है, क्योंकि जो डाउनफॉल आया उसका सबसे बड़ा कारण मैं खुद हूँ। और अगर मैं रियलाइज़ कर जाता उस समय कि मुझसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, मुझे कितनी मेहनत करनी चाहिए ऊपर बने रहने के लिए, तो प्रॉबेबली मैं कहीं और होता। सो ये बिल्कुल गलत ख्याल है कि मैं प्रेस से नाराज़ हूँ, मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। अभी जैसे अभी आप कह रहे थे कि मुझे जितनी मेहनत करनी चाहिए थी उतनी मैं नहीं कर पाया, या फिर कहीं ना कहीं मेरी कुछ कमियाँ हैं, लेकिन एक सवाल है कि जिस चीज़ के लिए आप इतना डेस्परेट होते हैं, जिस चीज़ के लिए आप इतना जुनूनी होते हैं, वो कहाँ पर वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर आप उसको लूज़ करने लगते हैं, वो कौन से पॉइंट्स हैं? क्योंकि ये मैसेज जाना ज़रूरी है कि कहाँ पर आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। देखिए, एक एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कुछ टाइम पहले, आपको हर समय सीखते रहना ज़रूरी है। देखिए, अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं सुनील गावस्कर के साथ क्रिकेट खेला हूँ, उन्होंने 2900 लगाया और उस टाइम डॉन ब्रैडमैन का शायद वो रिकॉर्ड उन्होंने बराबर किया, और मैंने कहा कि सर यू आर द ग्रेटेस्ट। सो उन्होंने मुझे कहा कि सन आई एम स्टिल लर्निंग,
29 सेंचुरीज लगाने के बाद उन्होंने कहा आई एम स्टिल लर्निंग, लेकिन हमने नहीं सीखी वो बात, हमने नहीं सीखी वो बात कि इतना महान खिलाड़ी इतनी बड़ी बात कह रहा है कि वो अभी तक सीख रहे हैं 29 सेंचुरीज टेस्ट मैच क्रिकेट में लगाने के बाद, हमने वो ग्रास्प नहीं की चीज। सो ये चीजें हैं जो आपको यू नो अपनानी चाहिए लाइफ में। आपको आपको एक चीज, आप जितने भी बड़े हो जाएं आपको एक ही चीज सोचनी है कि मैं अभी भी सीख रहा हूँ। बिल्कुल, जब आप लर्निंग पोजीशन पे होते हैं तो आपकी जो आप गलतियां नहीं कर सकते, गलतियां नहीं कर सकते। बिल्कुल, आज के क्रिकेट को अगर देखा जाए महेंद्र सिंह जी, तो ग्लैमर बहुत नजर आता है। और स्पोर्ट्स के भी, जब ऑफ कैमरा में आपसे बात भी कर रही थी तो आपने कहा भी कि ग्लैमर एक बड़ा रीजन है और पैसा है, तो क्या आज क्रिकेट जिस स्टेज पे पूजा माना जाता है, धर्म माना जाता है आज के टाइम में, और स्पोर्ट्स को लेकर कहाँ पर चूक होती है कि वो जगह नहीं मिल पा रही है? देखिए, क्रिकेट के लिए मैं BCCI को बहुत क्रेडिट देता हूँ, जिस तरह से, और डालमिया साहब ने शुरू किया था, जिस तरह से उन्होंने इसको पॉपुलराइज किया, टेलीविजन के ऊपर इतना आने लगा, फिर पैसा बढ़ना शुरू हुआ, 94 से क्रिकेट में एक्चुअली पैसा आया, और ये डालमिया साहब की देन है। सो आई थिंक ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि क्रिकेट की तरफ ज़्यादा रुझान भी इस तरफ है पेरेंट्स का, बच्चों का, कि एक जो लाइफ में सिक्योरिटी की ज़रूरत है, लाइफ में सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो पैसे से आती है आज के टाइम में। सो वो क्रिकेट में इतना ज़्यादा है कि क्रिकेट की तरफ ज़्यादा रुझान रहता है लोगों का, और BCCI ने जिस तरह से इस सबको हैंडल किया, आई थिंक बधाई के पात्र हैं BCCI के अधिकारी जिन्होंने इतना पैसा लाया क्रिकेट में। जो बाकी हमारी फेडरेशंस हैं वहाँ पर मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि कोई इतना सीरियसली गेम को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, क्योंकि जब मुझे नाम लेना पसंद नहीं है, लेकिन मैं एक शख्स का नाम ज़रूर लूँगा, KPS गिल साहब जब हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट बने थे, मुझे लगता था कि ये अथॉरिटी वाला एक इंसान आया, ये हॉकी को ऊपर लेके आएगा, लेकिन वो भी 12 साल बने रहे, उन्होंने भी कुछ ऐसा खास नहीं किया हॉकी के लिए, और वहीं के वहीं रह गई। अब तो लकीली हॉकी प्रीमियर लीग है, कबड्डी की लीग हो रही है, बैडमिंटन की लीग हो रही है, थोड़ा सा पैसा आना शुरू हुआ है, लेकिन आई थिंक ये डिफरेंस रहा है जो फेडरेशंस हमारी रही हैं और जो BCCI रहा है। BCCI में सीरियसली क्रिकेट को पॉपुलराइज करने की जो चाहत थी, जो ऑफिशियल्स थे, वो चाहत फेडरेशंस में नहीं आई। बिल्कुल, बहुत वक्त लिया है मैंने आपका, एक आखिरी सवाल और पूछूंगी आपसे, क्या ये बात सच है कि क्रिकेट में जो सिलेक्शन होता है प्लेयर्स का, पॉलिटिक्स है वहाँ पे या प्योरिटी अभी भी है? देखिए, पॉलिटिक्स तो घर में भी होता है, माँ बाप और दो बच्चे हैं उसमें भी पॉलिटिक्स हो जाता है। देखिए, क्रिकेट का जहाँ तक सवाल है, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि सिलेक्ट तो 15 ही हो सकते हैं, खेल तो 11 ही सकते हैं, और टैलेंट हिंदुस्तान में इतना है या फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इतने लोग परफॉर्म कर रहे हैं कि किसी न किसी को कभी ना कभी मौका नहीं मिलता। सो जो बाहर रह जाते हैं वो पॉलिटिक्स होनी शुरू हो जाती है, लेकिन सिलेक्टर्स अपनी तरफ से जो उनकी समझ है, जो बेस्ट पॉसिबल टीम होती है वो टीम बनाते हैं, क्योंकि अगर टीम आप सही सिलेक्ट नहीं करेंगे, टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगी, तो आपका भी क्रिटिसिज्म होगा सिलेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ। सो मुझे नहीं लगता है कि एज सच पॉलिटिक्स है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि लाइक्स एंड डिसलाइक्स होते हैं। अगर मैं भी सिलेक्टर हूँगा, मैं सच बताऊँ, मैं भी जब देखता हूँ जो आज के बच्चे हैं उनको खेलते हुए देखता हूँ, मुझे कोई अच्छा लगता है लेकिन दूसरे को नहीं अच्छा लगता। सो जब आप सिलेक्शन करते हैं तो उसमें थोड़ी सी इस तरह का ऊंच नीच होता ही है। सो जो बाहर रह जाते हैं वो लगता है पॉलिटिक्स है। सीधी, जो लोग बाहर रह जाते हैं उनको लगता है पॉलिटिक्स है, और जो लोग इन हो जाते हैं टीम में उनके लिए सब कुछ फेयर गेम होता है। बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए और यहाँ पर आने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। थैंक यू। पूरी लाइफ अगर देखा जाए महेंद्र जी की, तो सच में सीखने लायक है कि जब आप स्टार बन रहे होते हैं तो किस तरह से उस स्टारडम को संभालना है, और अगर नहीं संभाल पाते हैं और डाउनफॉल आ रहा है तो किस तरह से अपने आप को ऊपर लेना है और हार नहीं माननी है। शेयर कीजिए अपनी चीज़ें, कि एक बड़ा मैसेज यहाँ पर महेंद्र सर ने दिया है। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ नशा के साथ, और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर, और लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।